हे गाइस, दिस इज़ आशीष एंड वेलकम टू एवी वेंचर्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। ड्रॉर्स पेंट करने के बाद अब आ रही थी उन्हें रैप करने की, और मैंने उन्हें रैप किया एक कारपेट मटेरियल में जो कि आप लोगों को जनरली कार के फ्लोर पे मिलेगा। इसका फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से ड्रॉर्स अच्छे लगते हैं और वो जो है गाड़ी का एक पार्ट लगने लग जाते हैं। इसको लगाने का सबसे अच्छा तरीका है एक रबर बेस सॉल्यूशन एडिसिव और एक स्टेपल गन। अगर अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक @ आशीष भाटिया वेंचर्स। ड्रॉर्स पे हैंडल लगाने के लिए मैं ये स्टेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने बनाई है एक बची हुई लकड़ी के पीस से। इसमें दो होल्स ड्रिल्ड हैं और मुझे बस इसकी साइड बदलनी है, और ड्रॉर के हैंडल जो है एक एंगल के ऊपर लगेंगे जो कि देखने में अच्छे लगेंगे। इस स्टेंसिल को यूज़ करके आप इजीली होल्स ड्रिल कर सकते हो और ड्रॉर्स के हैंडल को उसके बाद स्क्रूज से टाइट कर सकते हो। फाइनली इंस्टॉल होने के बाद ये ड्रॉर हैंडल्स मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, आई होप कि आपको भी अच्छे लग रहे हो। इन ड्रॉर्स में मैं नॉर्मल लैचेस नहीं लगा सकता, तो आई एम गोइंग टू यूज़ टॉगल लैच जो कि साइड पे लग जाते हैं और ड्रॉर्स को खिसकने से रोकते हैं। और इन ड्रॉर्स को कंप्लीट करने के लिए मैं ये हैंडल्स लगा रहा हूँ सो दैट कि इनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो जाए। इस नए डिज़ाइन के लिए मैंने अपने ड्रॉर्स की हाइट इतनी बढ़ा दी है कि वो जब मिडल रो सीट्स जो हैं जब फोल्ड हो जाती हैं तो उनके हाइट के बराबर आ जाए। स्कॉर्पियो में जब फ्रंट सीट्स को स्लाइड करके रिक्लाइन कर दोगे तो आपके पास पूरी जगह होगी 6 फुट की जहाँ पे कि आप अपना बेड प्लेटफॉर्म लगा सकते हो। तो अब मुझे अपने पुराने पाइप से बने फ्रेमवर्क की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना बेड प्लेटफॉर्म जो है डायरेक्टली अपने ड्रॉर्स के ऊपर इंस्टॉल करूँगा। ये बहुत आसान है क्योंकि मेरा जो बेड प्लेटफॉर्म है वो इजीली उतर जाता है। उसे उतार के मुझे जो पाइप का फ्रेमवर्क है उसे उतारना है और मेरे पास एक यूजेबल बेड प्लेटफॉर्म होगा। इस प्लेटफॉर्म को ड्रॉर्स के साथ जोड़ने के लिए मैं ये टी नट्स का यूज़ करूँगा जिनके एक साइड पे ये दांत बने हुए हैं जो कि लकड़ी के अंदर गड़ जाते हैं, और आप दूसरी साइड से बोल्ट लगा के इन्हें टाइट कर सकते हो। लकड़ी के दोनों सर्फेसिस को आपस में अलाइन करो, एक होल को ड्रिल करो, एक तरफ से टी नट लगाओ और दूसरी तरफ से बोल्ट डाल के उसे टाइट कर दो। टी नट धीरे धीरे अपने आप लकड़ी में गड़ जाएगा और आपके पास एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा कि आप जब चाहे अपना बेड प्लेटफॉर्म उतार सकते हो, जब चाहे उसे लगा सकते हो। बस आपको होल्स ड्रिल करने हैं और ड्रॉअर के नीचे की तरफ से टी नट्स लगाने हैं सो दैट कि आपके पास एक डिटैचेबल बेड प्लेटफॉर्म हो।
जैसे कि मैं यूजुअली करता हूँ, मैंने ये एक कम्प्लीटली प्लग एंड प्ले सिस्टम बनाया है जो कि ईजिली महिंद्रा स्कॉर्पियो की डिक्की में लग सकता है। ये पूरा सिस्टम जो है 3 अलग अलग यूनिट्स में बना हुआ है जिनको जोड़ के आप इंस्टॉल कर सकते हो बिना किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन के। 2 ड्रॉर्स और एक बेड प्लेटफॉर्म, इनको लगाने के लिए बस आपको अपनी गाड़ी की पीछे की सीट्स हटानी पड़ेंगी। इस बेड प्लेटफॉर्म को लगाने के लिए मैं ये फ्लैट हेड बोल्ट यूज़ कर रहा हूँ। एक तो ये उभर के चुभेंगे नहीं और दूसरा आप जब चाहे इन्हें अनस्क्रू करके निकाल सकते हैं। इन दोनों ड्रॉर्स का अलग अलग काम है। एक किचन है जिसके अंदर मेरा गैस स्टोव, खाने का सामान और दूसरे के अंदर मेरे टूल्स और सारा कैंपिंग इक्विपमेंट। टॉगल लैच खोल के ड्रॉर्स के अंदर का सामान एक्सेस कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो, इस ड्रॉर के अंदर मेरे टूल्स और कंप्रेसर पड़े हैं एक वुडन क्रेट के अंदर, और पीछे की तरफ मेरी 10 लीटर की डीजल की जेरिकैन है। इस क्रेट को हटा के आप नीचे का हिस्सा एक्सेस कर सकते हो जिसके अंदर की मैं अपने कैंपिंग इक्विपमेंट्स और बाकी का सामान रखूँगा। ये पूरी तरह से कस्टमाइज़ किया जा सकता है, जैसे कि एक बंदे की पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से इसे चेंज किया जा सकता है। ये दूसरा ड्रॉअर मेरे किचन और पेंट्री का काम करेगा और इसके अंदर एक रिमूवेबल क्लैंप ऑन टेबल भी है। इसके नीचे ये 3 एल शेप ब्रैकेट लगी हैं जो कि ड्रॉअर के साइड पे अटैच हो जाती हैं और ये एक मिनी टेबल का काम करती है। इसको बनाने के लिए मैंने एक आधे इंच के प्लाईबोर्ड का पीस लिया था जिसमें 3 एल शेप ब्रैकेट लगी हैं। ये ब्रैकेट थोड़ी गैप पे लगी हैं ताकि ड्रॉअर के साइड वाली प्लाई के ऊपर फिट हो सकें। इसको पेंट करते टाइम मैंने थोड़ी सी मस्ती करी थी और मैंने ये टेप यूज़ किया था मास्किंग करके ये येलो कलर की हाईलाइट बनाने के लिए। जब सारा पेंट करके ये टेप हटाया तो नीचे से ये डिज़ाइन बना। साथ में छोटी सी स्लॉट्स ड्रिल करी हैं ताकि गैस स्टोव जो है वो प्रॉपरली इस टेबल को ग्रिप कर सके। मेरे पास ऑलरेडी एक पोर्टेबल टेबल है जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ एज ए वर्क बेंच, और ये वाली टेबल काम करेगी मेरा गैस स्टोव होल्ड करने के लिए। दैट वे आई कैन सेव सम स्पेस। इस ड्रॉर्स में भी पार्टीशन बनी हुई हैं जिनको आप निकाल सकते हो एज पर आपकी ज़रूरत, और आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से जगह मिल जाएगी। ये सिस्टम एज इट इज़ आपकी गाड़ी में लग सकता है और लगने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको गाड़ी में फिक्स करने के लिए मैं इन एल ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा जो कि एक तरफ से ड्रॉर्स को पकड़ेंगी और दूसरी तरफ से जो सीट्स के जो होल्स हैं ये ब्रैकेट्स उनमें टाइट हो जाएगी। जब आप मिडल रो की सीट को फोल्ड करोगे तो आप देखोगे कि ये पूरी तरह से फ्लैट हो जाती है और इसके पीछे की तरफ सॉलिड मेटल का फ्रेमवर्क है जो कि इस सिस्टम के बेड प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करेगा। हेडरेस्ट को ऐसे लगा के थोड़ा एडिशनल सपोर्ट मिल जाएगा और जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है वो बड़े आराम से इसके ऊपर आके बैठ जाएगा। मैं अभी भी आगे वाली लकड़ी के लिए नीचे सपोर्ट का कोई तरीका ढूंढ रहा हूँ, तो अगर आपके पास कोई आइडिया है तो प्लीज़ शेयर विथ मी। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना आइडिया बता सकते हो। तो दैट्स इट गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू सून। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग।